नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, नालासोपारा शहर मानो अपराधियों का गढ़ बनते चला जा रहा है। हर दिन नालासोपारा से कई अपराध सामने आते, अलग अलग अपराध। अभी हम यहां जो बात कर रहे हैं वो बात है ज्वेलरी दुकान के ताले तोड़े जाने की। ज्वेलरी दुकान पे चोरी की नाकाम कोशिश आज सुबह सामने आई। दरअसल नालासोपारा वेस्ट के कावेरी ज्वेलर्स नामक दुकान के ताले टूटे गए। जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा तो उसने नजारा देखकर पुलिस को इत्तला किया। नालासोपारा पश्चिम पुलिस के सीनियर पीआई विलास सुपे अपनी टीम के साथ दुकान पर पहुंचे और मुआयना किया। इसमें गनीमत यह रही कि इन चोरों ने जो नाकाम कोशिश की चोरी की, तो इसमें ये 9 ताले तोड़ने के बाद भी नाकाम हो गए। इन्होंने चैनल तोड़ दिया, 9 ताले तोड़ दिए, लेकिन शटर तोड़ नहीं पाए। और उसके चलते एक कावेरी ज्वेलर्स जो है एक बड़ी चोरी की वारदात से बच गए। आप सभी को याद होगा, पिछले साल इस कावेरी ज्वेलर्स से थोड़ी दूरी पर स्थित साक्षी ज्वेलर्स में एक बड़ी घटना हुई थी और वहां पर दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया था, हत्या कर दी गई थी व्यापारी की। उसके बाद क्षेत्र में काफी भय लोगों में हो गया था, जैसे जैसे लोग उस घटना को भूले। लेकिन आज वापस ये चोरी की एक नाकाम कोशिश सामने आने के बाद एक बार फिर से व्यापारियों में डर फैल गया है। इस पूरी चोरी की नाकाम कोशिश का सीसीटीवी वीडियो भी एक सामने आया है, वो आप देखिए स्क्रीन पर। और कावेरी ज्वेलर्स के मालिक का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ये जो आपके दुकान में कल चोरी की वारदात होते होते बची है, तो क्या ये पूरा मामला जरा ये बताइए। सर, हम लोग रात को 9:30 बजे यहाँ से रोज के तरीके से दुकान मंगल करके घर पे चले गए थे। और रात भर में ठीक है, हमको ऐसा कुछ नहीं है। सुबह में हमारे बाजू वाले जो पड़ोसी हैं उन्होंने फोन करके बताया कि आपके जाली जो हैं वो खुली हैं और ताले टूटे हुए पड़े हैं। तो उसके बाद में फटाकर मैं आया, यहाँ पे आने के बाद देखा तो मेरी दुकान के पूरी जाली खुली पड़ी थी और टोटल 9 ताले हैं। वो 9 के 9 ताले किसी की कड़ी काटी हुई थी, कोई ताले कटे हुए थे, और जो सेंटर लॉक था उसको भी वो जो चोरी करने को आए थे, रॉबरी के जैसे चोरी के इरादे से जो लोग आए थे उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शटर उठाने में नाकाम रहे। इस वजह से हमारी ये चीज़ दुकान रात में चोरी होने की वजह से, और उन्होंने कोशिश करने के बाद में भी नहीं कर पाए थे उस चीज़ को। इस मामले में आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ, यहाँ पे आने के बाद में मैंने देखा तो जाली वगैरह जैसे खुली थी, ताले टूटे थे, तो पहले मैंने पुलिस को ही कॉल किया था और पुलिस इमिजिएटली उनके दो गार्ड यहाँ पे आ गए थे। आने के बाद में उन्होंने सब चीज़ देखने के बाद में हमारा सफर ओपन वगैरह करवाया और उन्होंने अपने वरिष्ठों को इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद में नाला सफर पुलिस के सीनियर पीए वरिष्ठ पीए विलास सुपे साहब भी आए थे और एपी क्राइम के मस्के साहब वो भी खुद आए थे, देखे थे और उन्होंने अच्छी तरीके से कॉपरेट किया। तो क्या आप इस मामले में गुनाह दाखिल कराएंगे? जी सर, मैं यही चाहता हूं कि इस मामले में FIR हो और ऐसा काम करने वाले जो भी दूसरे ज्वेलर्स के इधर ऐसा नहीं हो और ऐसा आरोपी पकड़े जाएं, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल और प्रोफेशनल चोर लग रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने ताले वगैरह काटे हैं और शटर वगैरह तोड़ा है, ये कोई अनजान आदमी ऐसा इस तरीके से नहीं करता है। इस मामले में आपका ज्वेलरी एसोसिएशन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है? नहीं, ये बहुत ही सावधानी बरतने वाली बात है और ये एक नाकाम कोशिश नहीं, उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की थी ये, लेकिन सेफ्टी के तरीके जो थे वो मजबूत थे, उसकी वजह से वो लोग अपना काम नहीं कर पाए। बाकी उनका इरादा पूरी तरीके से चोरी करने का ही था। इस मामले में आप ज्वेलरी एसोसिएशन को इसकी जानकारी दी? जी, मैंने हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन के ग्रुप हैं उसमें इन्फॉर्मेशन भी दी है और यहाँ के जो फोटोज वगैरह थे, वीडियो वगैरह भी हैं, वो भी डाले हैं। थैंक यू।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।